بسم الله الرحمن الرحيم. अगर यहाँ पे मैटर होता तो फिर दी आना था. अभी नहीं बताया आपने मैटर कॉमन नाउन है तो उसके साथ आप दी नहीं लगा सकते. ठीक है. अच्छा ये जो फर्स्टली है ना ये एडवर्ब बन जाएगा इसलिए इसको फर्स्ट लिखें. कुछ न्यूज़पेपर वगैरह में लिखा होता है लेकिन ये आउटडेटेड हो गया. फर्स्ट लिखें फर्स्ट. वेयर एल कैपिटल रूल ऑफ कैपिटलाइजेशन. ये वाला अच्छा लिखा हुआ है. स्टार्ट अच्छा किया हुआ है. एडवर्ब से पहले कोमा. प्रैक्टिस करते रहे अच्छा हो जाएगा बाय द टाइम. बीए की एक बुक है बीए इंग्लिश टू द पॉइंट बाय मियां आफ्ताब. वो बाय कर लें. वो बायलिंगुअल है इंग्लिश उर्दू है. वो अच्छी समझ हो जाएगी आपको उधर से. बट एक कनेक्टर है इससे सेंटेंस शुरू नहीं कर सकते. पैसे में नहीं जाना. सो इनफॉर्मल है नहीं जाना. क्राइब्ड में नहीं जाना. क्राइब डिस्क्राइब डिस्क्राइब बस वैसे ही लिखना है. पता नहीं आप लोगों को दी क्यों इतना पसंद है. टू और एग्जैजुरेशन बात एक ही है. एन एग्जैजुरेशन. यू आपने कभी भी एग्जामिनर को इंडिकेट नहीं करना होता. ना आई और यू नहीं यूज़ करना. दे इट वी इस तरह बात करनी है. थर्ड पर्सन में. पैसे में जा रहे हैं आप. ये कौन सा स्पेशल टेंस आ गया. अपने टेंसेस रिवाइज करें. रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी पढ़ें. कौन सी पब्लिश रिपोर्ट. इस तरह की ब्लफ स्टेटमेंट्स नहीं देनी आपने. सो इनफॉर्मल होता है. ईडियम यूज किया अच्छी बात है.
कंडीशनल सेंटेंसेस वगैरह ना लिखें, खुद ही ना सेल्फ रेस क्वेश्चन बनाएं. इसके रूल्स होते हैं. अभी आप लोग इतने एक्सपर्ट नहीं हुए कि इस एक्सप्रेशन को कॉपी करें. अवॉइड करें इसे. डेली प्रैक्टिस करने से आपका अच्छा हो जाएगा. और प्लीज़ अभी प्रैक्टिस करें, मुझे ना भेजने बैठ जाइएगा. जो प्रैक्टिस हो जाए फिर भेजिएगा. अनलेस कि आप प्रॉपरली मेरे पास स्टार्ट करें, क्योंकि इस तरह तो मैं रैंडमली नहीं चेक कर सकती ना, इतना टाइम नहीं होता मेरे पास. आप लोगों को लग रहा होगा 5 मिनट ही लगते हैं, लेकिन अच्छा खासा टाइम लग जाता है मेरा. सो इनफॉर्मल है. स्टार्टेड आएगा. दे स्टार्टेड बिहेविंग इन ऑकवर्ड. राइटिंग में रिदम वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं है. आई थिंक इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं देनी. अपनी बात तो कभी भी नहीं करनी. किसकी बात कर रहे हैं? ही कौन है? पहले नाउन तो लगाएं, फिर उसके बाद ही भी आएगा. ये तो बिल्कुल ही लास्ट पार्ट तो बिल्कुल ही आपने गले से उतारा हुआ. मस्ट पैसिव में नहीं जाना, क्योंकि अभी आप लोगों को पता नहीं चलता. आप पैसिव में बात करते करते एक्टिव में आ जाते, कभी एक्टिव से पैसिव में चले जाते. बस यही कुछ कर रहे हैं आप. सो इनफॉर्मल है. It might. You, it's good thing कि आप अच्छा अपना एक्सप्रेशन इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं idiom वगैरह यूज़ करके. कोई कोई चीज़ें आपकी अच्छी भी हैं. एक्सप्रेशन अच्छा हो जाएगा, ग्रामर ठीक हो जाए आपके. शाबाश. फिर भी एटलीस्ट ट्राई तो किया ना. कभी तो स्टार्ट लेना होता है. वेल डन.